हाँ जी सागरिका जी, नमस्ते, मैं सागरिका दिल्ली में अभी पोस्टेड हूँ। मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और मैंने ज्वाइन किया था 7 आवश्यक व्हेन आई वाज सफरिंग फ्रॉम कोविड। आई वाज जस्ट गेटिंग आउट ऑफ कोविड एंड देयर वर पोस्ट कोविड सिम्टम्स भी थे मेरे मेरे में, एंड माय हस्बैंड आल्सो हैड गॉटन कोविड दैट टाइम। सो आई वाज क्वाइट अनसेटल्ड। मुझे लगा कि दिस इज काइंड ऑफ ए वेकअप कॉल जिसमें मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें मेरा इम्यूनिटी लेवल बढ़े। और फिर मैंने फेसबुक में देखा एंड आई जस्ट रजिस्टर्ड इमिडिएटली। सो द मोमेंट आई गॉट अप फ्रॉम लाइक कोविड, आई एनरोल्ड एंड आई स्टार्टेड डूइंग द क्लास। सो मैंने सर ने जो जैसे बताया मैंने फॉलो किया, दो माई बॉडी वॉज नॉट वेरी मैंने इन सपोर्टिंग स्टेट। सो मैंने किया तो 1 वीक में मुझे बहुत सारी चेंजेस देखने को मिले। पहले तो मुझे आस्थमा था, तो पोस्ट कोविड आई हैड कंजेशंस, मिस्टर इनहेलर फिर से लेना शुरू कर दी थी, तो वो सारा 1 दिन में मेरा छूट गया। देन मेरे माई वेट स्टार्टेड रिड्यूसिंग एंड माई स्किन स्टार्टेड क्लियरिंग अप। मेरे नी में एक काइंड ऑफ पेन होता था विच यूज टू फील एज इफ इट इज गोइंग टू ब्रेक समटाइम्स व्हेन आई वाज वॉकिंग। सो मैं ऐसे थोड़ा सा डर डर के चलती थी एंड दौड़ना या लाइक यू नो एनी एक्सरसाइजेस विच इन्वॉल्व माई लेग्स वेरी मच, मुझे थोड़ा सा डर सा लगता था, लाइक यू नो लिटिल आई वॉज नॉट वेरी केयर फ्री वाइल डूइंग दैट। सो दैट ऑल लाइक वेंट अवे। सो आई डिसाइडेड टू लाइक यू नो कंटिन्यू विद द प्रोग्राम। सो इट हैज बीन लाइक ए मंथ नाउ। सो आई हैव लॉस्ट अबाउट 6 kgs एंड विच आई वॉज नॉट लाइक यू नो बिलीविंग दैट इट इज पॉसिबल विद इन ए मंथ्स टाइम। एंड माई एनर्जी लेवल हैज गॉन अप बिकॉज आई यूज टू वर्क लेट एंड हम लोगों का काफ़ी हेक्टिक डेज रहता है। एंड आने के बाद देर वॉज नो एनर्जी एक्चुअली टू स्पेंड टाइम विद द किड और डू एनी थिंग। नाउ आई कुक ऑल्सो एंड आई डू सो मेनी अदर थिंग्स एंड आई फील क्वाइट एनर्जेटिक एंड हैप्पी ऑल थ्रू द डे एंड इट हैज बीन ए ब्लेसिंग एक्चुअली। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड सो मेनी पीपल इन माई फैमिली ऑल्सो हैव ज्वाइंट सींग मी इन माई ऑफिस ऑल्सो पीपल आर फीलिंग सो इंस्पायर्ड दैट दे हैव आस्क मी ऑल द डिटेल्स नाउ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी सर, वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम सागरिका। हाँ जी, जय जय राज, नहीं किसी ने रे न्यू ने डाला है, जिनको जल्दी है रे न्यू वो आ जाइए, जिनको जल्दी अपना करना चाहते हैं अनम्यूट। हाँ रे न्यू आ जाइए। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर? मैं बहुत एवरीबॉडी बढ़िया गुड हूँ एकदम। मॉर्निंग सर। मैंने आपका अभी फेसबुक वो यूट्यूब पे लाइव देखा तो मुझे लगा मुझे अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करना है। मैंने इमिडिएटली मीटिंग ज्वाइन करी एंड फ्रेंड्स मैंने कोर्स किया था सर का। मेरे को एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी एंड यू विल नॉट बिलीव कि मैं 6 दिन अच्छे से कर पाई और जो 6th डे था मैंने सिर्फ वाटर डाइट किया फॉर 40 to 42 hours मैं कर पाई एंड अमेजिंगली मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है। और जो मैं 5 सूर्य नमस्कार नहीं कर पाती थी, अब मैं आज इंटरनेशनल योगा डे और मैंने 50 सूर्य नमस्कार किए हैं। मैं सर को थैंक्स करना चाह रही थी और देखो को मौका मिल गया डायरेक्ट थैंक यू बोलने का। मैं कहीं लिखना चाह रही थी सर को थैंक यू एंड सी सर बहुत बहुत थैंक्स, मेरी बॉडी बहुत अच्छे से वंडरफुली फील कर रही है सर। मजा आ गया, बहुत मजा आ रहा आप है। आपने परिचय नहीं दिया अपना। मैं रेणु कौशिक हूँ सर, दिल्ली द्वारका से, दिल्ली से हूँ। ओके ओके, आप आ जाइए ना, प्रोग्राम में रहिए साथ में हमारे। हाँ जी, हाँ जी सर, श्योर जरूर। मैं आपसे बात करना चाह रही थी, अनिकेत से मैसेज भी किया था, थोड़ा बिजी थे, मैं आपसे जरूर बात करूंगी सर। थैंक ओके ओके, यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड दिस रियली वर्क्स, इट वर्क्स वंडर्स। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, आप आए एकदम। यस सर, हाँ जी, अर्चना ने नाम डाला है अपना, अर्चना है, जितेंद्र है, महेश जी हैं, हर्षदा है, आ जाइए वन बाय वन। अर्चना जी आप आ जाइए, जिनको जल्दी है जाने की जल्दी है वो अपना नाम डाल के अपनी शेयरिंग करके जा भी सकते हैं। अर्चना जी, अर्चना जी हैं, जिनेंद्र जितेंद्र जी आ जाइए, महेश जी हैं, अपानी जयराज जी आप आ महेश जाइए, जयराज जी ने भी डाला है। बोल रहा हूँ। हाँ एक मिनट, अभी जयराज जी आ जाइए। हाँ जी सर वही मेरे से एक प्रश्न था।
कि सर पहले परिचय, सर पहले परिचय देना है। सर मैं जयराज हूँ, मुंबई से। हाँ, क्या करते हैं आप? मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। ओके ओके, बताइए क्या प्रश्न है। सर कैसा है कि मैं डायबिटिक हूँ तो फ्रूट्स ज्यादा खाता नहीं हूँ। तो अभी अभी खाइए फ्रूट ज्यादा। हाँ, वो क्या है कि शुगर बढ़ने का चांसेस रहता है, मतलब पहले मैं खाता था लेकिन क्या है शुगर बढ़ जाता है, तो उसके लिए क्या मिलेट्स से मैं ये कर सकता हूँ? उसके अलावा फ्रूट्स के अलावा मतलब मिलेट्स नहीं, फल के समय तो फल ही खाइए, ठीक है ना। और ये देख लीजिए कौन से फलों में मीठा कम होता है, फिर तो सारे फल ही खिलाने हैं। थोड़ा बहुत तो सभी खा सकते हो आप, लेकिन ज्यादा ऐसे खा लीजिए जिसमें मीठा कम होता है, ठीक है ना, जैसे अमरूद है, पपीता है, लेकिन सब फल खा सकते हो थोड़ा थोड़ा तो आप, ठीक है। हाँ, एक समय फल ही खाने हैं, लेकिन आप मॉनिटर करते रहिए फल खाने के बाद, आप 2 घंटे बाद शुगर चेक करिए अपनी। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, तो महेश जी आ जाइए। हाँ नमस्कार, महेश वखनाली बोल रहा हूँ बम्बई से। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जरा, एक मिनट। हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्कार, महेश वखनाली बम्बई से। मैं गए 1 हफ्ते से मेरे मिसेस के साथ में, स्वरूपा के साथ में ये डाइट फॉलो कर रहा हूँ। हाँ जी, तो मुझे काफी फर्क महसूस हो रहा है, पर एक चीज का मैंने अंदाजा लगाया है, रादर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मुझे पहले भी कॉन्स्टिपेशन होता था, रेगुलर नहीं था, ओकेजनल होता था, पर अभी ये 1 हफ्ते में भी हो रहा है, तो इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा या ये जैसे अभी आपने डाइट बताया वैसे ही करना है? देखो, खाली डाइट का प्रोग्राम नहीं है, अभी 6 दिन आप खाली डाइट कर रहे थे। हाँ, लेकिन अभी तो बहुत सारी चीजें करा रहे हैं, वो सब करना है, ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा, निश्चित रूप से ठीक होगा, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, अब बताइए कौन आ रहे हैं, जिनको जल्दी है वो आ जाइए, अनम्यूट करके अपनी शेयरिंग कर लीजिए, और कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ लीजिए। सर हर्षदा हियर। हाँ हर्षदा ही। हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले खुद को इंट्रोड्यूस करवाया था, मैं मुंबई से हूँ, हाउसवाइफ हूँ। मुझे ये पूछना है कि डायबिटिक्स के लिए जो आपने अभी बोला कि मिलेट्स मतलब बाजरा आप खा सकते हो, उसका पुडिंग जैसा बना के खा सकते हैं शाम को अगर अनकंट्रोलेबल हंगर है। हाँ जी। उसके अलावा सर ये जो आपने अभी this I wanted to confirm, so it is bajra we can have as a porridge kind of thing. हाँ, बाजरा, millets और हाँ, सामक के चावल आते हैं जो व्रतों अच्छा, में खाते हैं, कुट्टू खाते हैं व्रतों में हम, कुट्टू। क्या होता है सर, मतलब मुझे अगर ये लिस्ट मिल जाए, बिकॉज मेरा वही प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज, एकदम से हंगर पैंग्स आ जाते हैं एंड इफ आई डोंट ईट माय एंटायर हेड स्टार्ट्स स्पिनिंग। देखो, आप बाजार में जाओगे ना, हेल्थ फूड स्टोर, मिलेट्स की बहुत रेंज होती है, जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। अच्छा। और जो लोकल मिले आपके यहाँ का वो सबसे बढ़िया होता है, जो वहीं आसपास होता हो। हाँ, तो बाजरा इज द मेन आई थिंक। हाँ, तो बाजरा ले लीजिए, बाजरे की खिचड़ी बना सकते हो, दलिया बना सकते हो। हाँ। बाजरे की तो हरियाणा में बहुत सारी आप डिशेज बनती है। अच्छा। हाँ। आप कुछ भी बना सकते हो, रोटी भी बना सकते हो बाजरे की। सो सलाड, बाजरा, छोटी सी रोटी एंड सब्जी अगर खा ले तो। हाँ हाँ, सब्जी खा लीजिए, यस। एंड दूसरी चीज ये है जो आपने सुबह बोला है कि कोल्ड बाथ लेना है। हाँ। तो साबुन का प्रयोग करना है या नहीं करना है, मतलब जैसे हम यहाँ पे आएंगे और आपके साथ पहले योगा कर लेंगे सुबह, मतलब जो भी है, जो भी टेक्निक्स आप बताओगे मॉर्निंग 6 to 8, तो उसके पहले ये करके आना है, तो उसमें ठंडे पानी का प्रयोग और साबुन ये कर सकते हैं ना? साबुन का प्रयोग कम से कम करें। देखो, साबुन का तो वैसे भी प्रयोग कम करना है। अच्छा। बाकी आपको साबुन का प्रयोग जरूरी है तो मिट्टी का हम इस क्लिंजर बनाते हैं, आप चाहे तो खुद बना लीजिए अपने पास मिट्टी का क्लिंजर। क्या सर, कौन सा का? मड 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 क्लिंजर बनाते हैं, मड से। तो उसमें नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन और मुल्तानी मिट्टी और सामान्य मिट्टी पीली, 6 चीजें हम उसमें डालते हैं। अच्छा। तो आप भी घर पे बना सकते हो उसको, थोड़ा सा मल सकते हो। अच्छा। कोई और नहीं तो साबुन तो नुकसान करती है स्किन को भी, ठीक है ना, साबुन का प्रयोग कम से कम करिए। एंड सर आपने बोला है कि हेड बाथ लेना है, तो
एवरीडे इज बिकॉज माइग्रेन का मुझे प्रॉब्लम है, हेडेक का कंटिन्यूअस प्रॉब्लम रहता है. हाँ तो ठीक होगा ना, इसको ठीक करना है ना, कब तक इसको मतलब बना के रखोगे आप, इससे मुक्ति प्राप्त करनी है ना, तो ये सारी चीजें वही बता रहे हैं जो आपको माइग्रेन और सब बीमारियों से आपको ठीक करने में हेल्प करेगी. अच्छा, सो हेड बाथ इज कंपलसरी फॉर ऑल दिस सिक्स वीक्स? कंपलसरी कुछ नहीं है, मैंने तो पहले दिन ही बताया कंपलसरी प्रोग्राम में कुछ नहीं है. आप देखिए जो बेस्ट करिए, अपना 100% दीजिए, ठीक है ना. आपको अगर दिक्कत है, देखिए महिलाओं को दिक्कत है रोज सिर धोना, वो तो हफ्ते में एक ही बार धोती है, ठीक है ना, लेकिन आप कर सकें तो करिए, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन कर लीजिए. और माइग्रेन रहता है तो रोज कुंजल करके आना है आपको क्लास में, कुंजल भी मस्त है, ठीक है. पानी पीकर वोमिटिंग करनी है, उसकी वीडियो भी हम डालेंगे ग्रुप में, आप देख लीजिए. अच्छा, वमन आप बोल रहे हो? हाँ वमन, यस वमन करके आना है रोज. एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन, जो मेरा एज आई टोल्ड यू फ्रोजन शोल्डर है और लेफ्ट लेग, लेफ्ट शोल्डर इज फ्रोजन एंड लेफ्ट नी आल्सो हैज अ प्रॉब्लम. सूर्य नमस्कार करते वक्त ये दिक्कत आने वाली है, बिकॉज यू स्ट्रेच लाइक दिस, आई कैन नॉट स्ट्रेच माय हैंड, इसके ऊपर नहीं जाते हैं. तो जितना हो सके उतना ही मैं ट्राई करूँ तो? यस, उतना ही करना है. आप बैठ के भी करोगी, खड़े होकर 12 आसन है उसमें, 12 में से 1, 2, 3, 4 जो कर सकते हो वो कर लीजिए, नमस्कार मुद्रा में बैठिए, नहीं तो विजुअलाइज करिए. देखिए ये भी एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, एक काम को आप करते हो और एक को विजुअलाइज करते हो, उतना ही बॉडी रिएक्ट करती है अंदर से, जो हार्मोन से आपके उसी तरह से रिएक्ट करते हैं, जो आपके अंदर के ऑर्गन है, फिजियोलॉजी प्रभावित होती है उससे. अच्छा. तो आप जितनी देर कर सकते हो उतनी देर करिए, थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए और बाकी समय विजुअलाइज करिए. और जो उसमें हम मंत्र बजाएंगे, कल बताएंगे उसके बारे में, उसका बहुत प्रभाव होता है. मंत्रों के साथ अपने आप को विजुलाइज करोगे, आप देखोगे आपके फ्रोजन शोल्डर भी कब कैसे आपके खुल गए आपको पता नहीं चलेगा. अच्छा, यस ठीक है. थैंक यू. यस और बताइए, और किसने हाँ जी सर, ये स्प्राउट्स जो खाने हैं वो पका के खाने हैं कि कच्चे खाने हैं? देखिए कच्चे ही खाने ज्यादा बेटर है, कच्चे कच्चे खाने हैं. और नमक बिल्कुल भी यूज नहीं करना, तो फिर क्या स्वाद डालेंगे हम उसके अंदर? कौन बोल रहे हैं? सागरिका, बॉम्बे से. हाँ सागरिका, वीडियो को खोलिए अपना. वीडियो तो ऑन है सर मेरा. नहीं नहीं मुझे नहीं दिख रहे हैं आप, आपकी तस्वीर दिख रही है अभी. ठीक है, नहीं अभी तो नहीं दिख रही हैं आप. आप अपनी इंटरनेट कनेक्शन को ठीक करा लीजिए. देखिए ये 6 दिन का अनुष्ठान है सागरिका, अनुष्ठान मतलब ये 6 दिन का यज्ञ है एक तरह से. अच्छा, अच्छा. बॉडी माइंड सर्जरी है, जैसे आप जब आईसीयू में कोई सर्जरी पे जाते हो तो उस समय तो भोजन भी बंद कर देते हैं, सिर्फ आपको ग्लूकोज की डिप लगती है. यस सर नो? यस सर. तो हमने तो ये आपको छूट दी है खाने की, आपको नहीं खाना तो कुछ भी मत खाइए, नहीं अच्छा लग रहा तो वो चलेगा. तो बिना नमक के ही क्या खा सकते हो ये आपको देखना है. और ये 6 दिन के लिए है सिर्फ, ये आपने कर लिया तो आपका ये लेवल 1 हो जाएगा. लेकिन अगर आपको बेसिक करना है तो डाल लीजिए थोड़ा सा नमक, छूट ले लीजिए, वो भी छूट है. तो ये आप अपने आप को टेस्ट कर लीजिए. और इसमें लोग शेयरिंग करेंगे, हमने अपनी एक बुक भी शेयर करी है रेसिपीज की, जो बिना नमक के कैसे स्वादिष्ट भोजन बन सकता है, उसको आप देख लीजिए, उसमें आपको आइडियाज मिल जाएंगे. बाकी और लोग भी अपनी शेयरिंग करेंगे तो आपको बहुत आइडियाज मिल जाएंगे, बिना नमक के भी भोजन बहुत स्वादिष्ट बन सकता है. सर कहाँ है वो बुक? वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी. अच्छा, अभी अच्छा. आपने लेट ज्वाइन किया ना रात जो, हाँ जी, तो हाँ वो शेयर दोबारा डाल देंगे. आप पूछोगे ना, हाँ जी, झरना है, अनिकेत है, आपको दोबारा शेयरिंग हो जाएगी. और मेरा सर जो सुबह जूस पीना है तो मतलब एक ही जूस पीना है या कोकोनट मिल्क और ये कोकोनट या वेजिटेबल जूस, मतलब एक ही पीना है या के दो तीन पी सकते हैं? दो तीन पी सकते हैं ना, पेट भर के पीजिए ना, कोई पाबंदी नहीं है इसमें. फ्रूट जूस नहीं पीना है पर वेजिटेबल जूस पीना है. देखो अगर आपको वजन की प्रॉब्लम है तो फ्रूट जूस मत लीजिए, वो वजन बढ़ा सकता है आपका. और अगर वजन आपका सामान्य है तो दोनों ले सकते हो आप, फ्रूट जूस भी ले सकते हो, वेजिटेबल जूस भी ले सकते हो, मिक्स भी ले सकते हो. ओके सर, बस और कुछ नहीं. थैंक यू सर. यू आर वेलकम.
तो अभी कौन अपना अनुभव करेंगे? सिप्रियाना जी हैं, सिप्रियाना जी आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हो, जसिंटा जी हैं और करण बहादुर हैं, कोई भी अपना अनुभव साझा करेंगे ओल्ड स्टूडेंट्स जो है न्यू के साथ में, और नए स्टूडेंट्स भी अपना कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सीमा जी हैं, भैरवी हैं, शिवानी हैं, रेखा जी हैं। रेखा जी आप अपना अनुभव साझा हाँ करना चाहोगे? वही तो मैंने और करण ने शेयर कर लिया सर पहले। अच्छा ठीक है ठीक है, तो रेखा जी आप बताइए। ओके, मैं शताक्षर के 1 महीने से ज्वाइन किया है। मैं रेखा शिरगांवकर बोल रही हूँ, बेलगाम से, कर्नाटका। मैं बैंक में थी, अभी रिटायर हो गया हूँ, 63 इयर्स ओल्ड हूँ। मैंने 1 महीने 1 वीक हो गया मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन पहले 6 दिन में ही मुझे बहुत अनुभव आ गए। तो मेरा बीपी नॉर्मल हो गया, मैं बीपी का रोज गोली लेती थी, मेरा हाई बीपी था और वो स्टॉप कर दिया, नॉर्मल हो गया। और मेरा नी पेन थे, दोनों नी में 10-15 साल से नी पेन था, वो भी नियरली 80% तक तो कम हो गया, बैक पेन तो कम्प्लीटली गया है। और मैं एक्चुअली सूर्य नमस्कार नहीं कर पाती थी बिकॉज ऑफ बैक पेन। जब भी मैं सूर्य नमस्कार करती थी तब मुझे बैक पेन होता था, इसीलिए मैं नहीं करती थी। लेकिन जब से यहाँ ज्वाइन हो गए, सेकेंड डे से मैंने ट्राई किया, चलो देखेंगे ट्राई करेंगे करके, तो मैं सूर्य नमस्कार आराम से कर पाती हूँ। और वजन कम हो गया, पहले 6 दिन में मेरा 2 किलो से 3 किलो तक वजन कम हो गया, 2.5 ऐसा कुछ तो कम हो गया अभी। और मेरा 6, अभी तक तो मेरा 6 kg कम हो गया है वजन, और मेरा इंचेस भी लॉस हो गए, 2 इंच। पहले 6 डेज में ही 2 इंच लॉस हो गया था, कमर का साइज कम हो गया था, और अभी भी कम होता ही जा रहा है। और अभी तो 4 इंच तक तो मेरा कमर कम हो गया है शायद। और बॉडी लाइट फील हो करती हूँ, बहुत लाइट फील करती हूँ, और बहुत काम करने में एंथुजियाज्म आता है। फर्स्ट वीक में ही मालूम पड़ा, सेकेंड डे से ही मेरा ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो गया था, और गुस्सा कम हो गया है, बहुत गुस्सा आता था मुझे। आई एम वेरी मच शॉर्ट टेम्पर्ड थी पहले, लेकिन अभी गुस्सा 50% तो कम हो गया, अभी होने को है। और काम में बहुत एंथुजियाज्म, फुल डे लाइट फील करती हूँ, फुल डे लाइट लाइट फील करती हूँ। कुछ भी काम करने में, ये करने में दिक्कत नहीं आती है, कुछ भी नहीं होता है, इसलिए तो ये बहुत ही अच्छा है। और आपको बहुत इसमें से ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, आप जरूर कंटिन्यू कीजिए, आप जरूर कीजिए, और वो सब कंटिन्यू कीजिए जो सर ने बोलता है, वो सब करने की ट्राई कीजिए, मैक्सिमम कितना होता है उतना ट्राई कीजिए। थैंक यू रेखा जी, थैंक नमस्ते। यू वेरी मच। हाँ जी बताइए, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो सेशन को हम बंद करेंगे, कल मिलते हैं। कोई प्रश्न है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। शिवानी दत्त जी, हाँ जी आज फर्स्ट सेशन तो अभी तक तो बहुत अच्छा है, मीन्स फर्स्ट डे स्टार्ट हो गया, टाइमली उठ गए, सब कुछ कर लिया, नहा लिए, मतलब अदरवाइज वो 8-8, 9-9, समटाइम 9:30 तक भी सो रही होती थी। तो फर्स्ट डे इज रियली गुड, लेट्स सी अब पूरा दिन कैसे होगा, डाइट कैसे फॉलो होगा देखते हैं, मतलब फेथ तो है कि हो जाएगा, लेट्स बहुत सी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, करके देखते थैंक यू सो मच। हैं। यू आर वेलकम। हाँ जी, एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर हिज और हर एक्सपीरियंसेस और एनी क्वेश्चन, कोई क्लेरिफिकेशन? सर आज एकादशी है ना सर, मैं करण बात कर रहा हूँ, आज हाँ करण जी बताइए, नमस्ते जी। एकादशी है ना सर, तो हाँ जी आज एकादशी है, एकदम मस्त फास्टिंग कर सकते हैं हम लोग। कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। करिए आप, करिए एकादशी का फास्ट। बिल्कुल सर, मजा आता है। हाँ जी देखो, बाकी लोग भी अपना दिन निश्चित कर सकते हो, एक दिन आपको फास्ट करना है। एकादशी को करना है तो आज ही कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। कल करना चाहे तो कल कर सकते हो। कैसे करना है सर फास्ट एकादशी का? ये बताएंगे करण करण साहब, बताइए आप कैसे आपने किया है अब तक, थोड़ा तो गाइड मेरा करेंगे। कल कल शाम को 6 बजे का
लास्ट अन्न जो मैंने खाया था लास्ट 6 बजे था, तो मैं तो कल सुबह ही इसका जो अनुष्ठान है मैं तोड़ूंगा, तो सिर्फ पानी में रहूंगा और जो एहसास होएगा मतलब बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन द एक्सपीरियंस दैट यू विल गो थ्रू बाय गिविंग योर वाटर योर बॉडी जस्ट वाटर इज अमेजिंग. आई थिंक यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग आफ्टर यू नो दैट 5-6 days विल गो सो ब्यूटिफुली because your body is going through this whole transformation and cleansing. So I think today is a good day. I think if most of the people can start today, it's a beautiful day to start this anushtan. I think go with water. Means I have done it. It's more than a month and a week. I have done it before and I've gone maximum up to 60 hours without having any solid food. Just water itself is a miracle cure. Be with the nature, suns, earth, water, air, people, good thoughts, everything will change. I think this is going to be a beautiful transformation. I think ekadashi, I think today, I think last month, I think maine kiya tha, sir, main bhool gaya tha, to aaj main bas pad raha tha, to pata chala ki aaj ekadashi hai, then I will just certainly want to do this. Karan, ek baat bolna chahti hu, main Rekha bol rahi hu, Belgaum se. करण, लेकिन हम लोग एकादशी जब तोड़ते थे ना, पहले एकादशी करते थे, वो बहुत ही गलत था. वो तोड़ने का बहुत इम्पोर्टेंट है. हम लोग एकादशी करते थे और नेक्स्ट डे आराम से खाना खाते थे एकादशी तोड़ते वक्त. दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग वी आर डूइंग दैट. असर से आकर वो बात पता चली. मैं भी बहुत गुरुवार का करती थी, कुछ भी नहीं लेती थी, लेकिन शाम को ना आराम से बैठ के खाना खाती थी, सब खाना. लेकिन दैट वेयर वी आर डूइंग मिस्टेक, आई थिंक दैट इज वॉट आई थिंक. Sorry to interrupt you. One more thing. जैसे I have kids. मेरा एक बेटा है, वो 8 years का है, बेटी 15 years की है. तो ये तो सारा दिन तो इन्होंने तंग करना ही है. उस टाइम में कैसे आप अपने हंगर कंट्रोल करेंगे और कैसे उनका गुस्सा कंट्रोल करेंगे कि they'll keep on troubling the whole day, और आजकल no schools, सब कुछ online, मतलब ये ज्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है कोरोना टाइम से ज्यादा शुरू हो गई है. शिवानी, आप क्या करते हो? अभी तो आई हैव लेफ्ट माय जॉब, अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ एज सच. पहले क्या करते थे? पहले मैं इंजीनियर का MBA ना मैंने बताया था. हाँ जी. तो मैंने छोड़ दिया, अब काफी टाइम हो गया. देन आई टॉट मैथ्स मैथमेटिक्स भी बच्चों को. MBA किस चीज में किया था, क्या विशेष सब्जेक्ट था? इंटरनेशनल बिजनेस. देखो मैनेजमेंट है ना, बच्चों को देखो खुद को मैनेजमेंट करना. पहले वो आप इंटरनेशनल बिजनेस को मैनेज करते थे और अभी आपको बच्चों को और खुद को मैनेज करना है. देखो जो बच्चे आप कह रहे हो ना तंग करते हैं, बच्चे तो ब्लेसिंग है ना. देखो आप बच्चों के साथ कैसे एंजॉय करना है ये सीखना है आपको 6 दिन में. बच्चों को ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदलना है. जिस चीज को तंग कह रहे हो आप, कह रहे हो बच्चे बिल्कुल मस्ती करते हैं और बच्चों के साथ में बहुत एंजॉय करती हूँ और मौका मिल रहा है अब आपको जॉब से छोड़ के बच्चों के साथ एंजॉय करने का. तो ये पहले तो ये प्रस्पेक्टिव अपना चेंज करो कि बच्चे तंग कर रहे हैं, अब तंग हो रहे हो, ठीक है. तो बच्चों के साथ एंजॉय करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस एंजॉय करना है. काम बच्चे सब कर लेंगे आपका. तो उसे कहो कि वो आपको सलाद बना के खिलाएगी बिटिया, उसको प्रोग्राम में शामिल करो आप. मैंने उसे बोला था. हाँ तो मेरी बात कराओ बिटिया से, ठीक है ना. उसको प्रोग्राम में शामिल कराओ और उससे कहो देखो भाई 6 दिन में छुट्टी पाऊं, अब 6 दिन किचन को आप संभालो. किचन को मतलब कोई बनाना तो है नहीं, सलाद बनाना है, फल खिलाना है. उसको साथ में लेके जाओ, फल खरीदने में उसकी चॉइस के फल खरीदो, आप अपना मत बताओ, जो कहती है उसको अच्छा भी क्या फल खरीदने, दोनों साथ खाएंगे. तो थोड़ा सा ये करोगे तो आप देखो बच्चों के बिहेवियर में भी बदलाव आएगा. लेकिन थोड़ा सा आपको एक्सेप्ट करना है, जो बच्चे करते हैं शरारत वो आपको करनी है. अभी क्या करना है, बच्चों के साथ आपको खेलना है, वही आपका व्यायाम है, वही वर्कआउट है आपका. बच्चों के साथ टाइम आपको क्वालिटी टाइम बिताना है विदाउट एनी मल्टीटास्किंग. फिर देखो 6 दिन में कैसे बच्चों के साथ रिलेशंस आपके अच्छे होते हैं. देखो बच्चों के साथ रहना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, उनसे बड़ी ऊर्जा मिलती है. That is true. थकान भी बहुत होती. अरे अरे आप थोड़ा करके तो देखो, 6 दिन करके फिर मुझसे बात करना. सर मैं एक बात बोलूं क्या शिवानी जी को?
हाँ। शिवानी जी, मैं रेखा बोल रही हूँ, मैं बेलगाम से हूँ। मैं आई एम 63 इयर्स ओल्ड एक्चुअली, और जब मैंने क्लास शुरू किया उसके बाद मेरे काम वाली वो छुट्टी पर गई, उसका कोई तो ये था, कोई फंक्शन था, ये था, वो तो छुट्टी पर गई। लेकिन ये सब इन माइंड, मुझे लगता है ये सब इन माइंड हमको लगता है, मैंने सर ने बोला था छुट्टी ले लो, फिर नहीं ले सकती थी, लड़का है घर में, उसको तो खाना पकाना ही पड़ता है, ऐसा नहीं छोड़ बोल सकती कि मैं नहीं पकाऊंगी करके। मेरा तो उपवास था, वाटर फास्टिंग के दिन भी सर का मैंने ये नहीं सुना, वो बोले रेस्ट लेने के लिए, लेकिन मैंने पकाया है खाना। कुछ नहीं होता, यू सेट योर माइंड, थोड़ा ये करो, हो सकता है। मैं 63 क्योंकि 48 आवर्स का फास्टिंग गया था फर्स्ट टाइम, दो दिन का वाटर फास्टिंग की थी। ऐसा नहीं होगा, आप धैर्य से करो, हो जाएगा, डोंट वरी। और माइंड इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन अस। थैंक यू सो मच। नहीं होगा, इतना ढीला हो रहा है ये, मुझे पहनने को नहीं होता था, इतना टाइट होता था, इतना ऐसा लगता था। अभी ये तो एक महीने का ही बोल रही हूँ मैं। थैंक यू रेखा जी। हाँ जी, पांडे साहब, एसपी पांडे साहब, सर कैसे हैं आप? आप भी अपनी शेयरिंग कर सकते हो, एसपी पांडे जी। और किसी को कोई बात करनी है? हाँ जी, बढ़िया सर, बढ़िया सर। परिचय दीजिए अपना और बताइए आपका कैसे चल रहा है, क्या अचीवमेंट है आपका? आपका सर, मैं एसपी पांडे सर, रायपुर से गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, और बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी जो बहुत हद तक सॉल्व हो गई है लगभग, और बाकी तो डायबिटिक था, तो अभी दवाई वाई नहीं ले रहा हूँ। वजन भी कम हो गया है, वेस्ट भी कम हो गया है, और रूटीन जो था लाइफ का वो बन गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका स्वागत। चलिए, एनीवन एल्स? सर, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग हमें कितने टाइम तक करना होगा? मतलब नॉर्मल खाना कभी हम लोग खा पाएंगे कि? हाँ, क्यों नहीं खा पाओगे, 6 दिन का अनुष्ठान है सागरिका, घबराओ मत। 6 दिन तो मैं, आप सब खा पाओगे, कोई संन्यास थोड़ी ले रहे हैं हम। बाबा जी नहीं बनना है। नहीं, यहाँ पे ऐसे सब लोग, जैसे रेखा जी हैं, करण, देखो देखो, सब अपनी अपनी मस्ती में कर रहे हैं, जो जिसको करना है वो कर, आप वो करना जो आपको कर रहे हो। 6 दिन के बाद जो आपको अच्छा लगे, जब तक कंटिन्यू करना चाहो, ये आपकी इच्छा है। अगर आपको यही खाना अच्छा लगने लगे किसी को, तो हमें कहाँ दिक्कत है। देखो, आपको अपनी डाइट डिस्कवर करनी है, ठीक है? 6 दिन के, 6 दिन करके देखिए, फिर 6 दिन के बाद डिसाइड करेंगे। सबको अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे 6 दिन के बाद। चलिए, ओके।